मायसेल्फ शशि श्रीवास्तव, वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मऊ, और आज मैं आप सबकी होस्ट हूँ। तो थैंक यू बहादुर टीम ऑर्गेनाइजेशन से आज मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ हम सभी के बीच में एक बहुत ही डायनेमिक लेडी हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं, और उनका नाम है स्वप्ना जी, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो आप सबके डिजिटल क्लैपिंग से हम इनवाइट करते हैं स्वप्ना जी को। स्वप्ना जी, वेलकम हियर, नाउ डिजिटल इज योर्स। Thank you very much for the warm welcome, Shashi ji. And meri your voice clear hai, Anjali ji? Nahi, thodi slow hai, thodi aur aap agar usse loud ho jaye thoda sa to better rahega, thodi si slow. Voice clear nahi hai, ma'am? Abhi clear hai, ho gaya. Clear hai? Okay. Okay. Good evening, everyone. Hello. और आज यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, इनवाइट हुए हैं, वो एक बहुत बड़े बिग ड्रीमर है ना। उनका एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो चलिए, मैं स्वप्ना कपूर फ्रॉम वाराणसी, बाय प्रोफेशन मैं अबैकस टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, और आपको आपके ड्रीम को पाने में मैं अपने बिजनेस प्लान के थ्रू मदद करूंगी। आप बस डायरी और पेन लीजिएगा, जो मैं बोलती जाऊँ आप लिखते जाइएगा, आप देखिएगा कि लास्ट में आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा और आप अपने ड्रीम को पाने का आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको शेयर करती हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की, ठीक है? तो हार्ड वर्क आप सभी लोग कर रहे होंगे, और अपने ड्रीम को पाने के लिए कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, ठीक है ना? और अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए यदि आप उसमें स्मार्ट वर्क को ऐड कर दीजिए तो आप पे एडिंग हो जाएगी, आपका एड पोटेंशियल हो जाएगा, राइट? तो और जानते हैं स्मार्ट, जब हार्ड वर्क करते करते हम काम में ही फंसे रह जाते हैं और हमारी लाइफ कहीं इस तरीके से बिल्कुल रेत की तरह निकल जाती है और पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो उसको आपको अब ये बताना है कि आप क्या हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को ऐड करना चाहते हैं। यदि यस, तो चैट बॉक्स में लिखिए HS, ठीक है? और अपनी डायरी में नोट करिए हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है? तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हार्ड वर्क को प्लस स्मार्ट वर्क में प्लस कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कोई भी काम करने के लिए कारण होना चाहिए, ठीक है? वाई होना चाहिए, आपके पास भी वाई होगा। कोई मनी लेना चाहता होगा, ठीक है ना? तो यदि मनी चाहते हैं तो एम को चैट बॉक्स में डालिए और अपनी डायरी में लिखिए एम। यदि आप वर्ड टूर चाहते हैं तो डब्ल्यू चैट बॉक्स में डालिए और अपनी डायरी में लिखिए वर्ड टूर। और यदि आप चाहते हैं रिकॉग्निशन तो रिकॉग्निशन के लिए आर, और यदि आप चाहते हैं स्पिरिचुअल पावर एक ऐसी शक्ति है जो आपको 0 से 100% तक बना सकती है, यदि वो चाहते हैं तो उसको एस से डिनोट करिए, और यदि फिजिकल हेल्थ चाहते हैं तो पी, और यदि सब कुछ चाहते हैं तो ऑल, ठीक है ना? तो चैट बॉक्स में लिखते रहिए, हम लास्ट में जरूर देखेंगे कि आपने क्या लिखा। हम क्यों लिखवा रहे हैं हम जान रहे हैं, वो इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपका माइंड दो तरीके का होता है, ठीक है? एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आप सुनेंगे, समझेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन यदि आपने लिख लिया अपनी डायरी पे और चैट बॉक्स पे, तो ना कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, जरूर मिल गया होगा। यदि और चाहते तो और, मेरा भी कारण था हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को प्लस करने का। मेरा कारण था कि मैं अपनी लाइफ के चार पिलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। पहला फाइनेंशियल हेल्थ, वो हम बताएंगे कि किस टाइप की रिचनेस में चाहती थी, ठीक है? मैं लास्ट में बताऊंगी। सेकंड फिजिकल हेल्थ, मेरा पैशन है खुद को फिटनेस फिट रखना और उसको सीखना कैसे फिट रखते हैं और दूसरों को सिखाना, ठीक है? तीसरा है मेंटल हेल्थ। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी ही थी हमेशा, स्वप्ना कपूर ऐसी ही थी, इतना बढ़िया अच्छे से आपको बता रहे हैं, तो ऐसी नहीं थी। मेरा स्वप्ना कपूर का जो
पहला का वर्जन है ना वो समझ लीजिए कि अपने को ही डोमिनेट करना और सिचुएशन को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके कारण नहीं कर पा रहे हैं, या बिल्कुल एग्रेसिव हो जाना, फोकस नहीं होना, पेशेंस नहीं होना, वो स्वप्ना कपूर ने अपने को अपडेट करके आज ये स्वप्ना कपूर का वर्जन बनाया है। और थैंक्स फॉर दिस, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए हम थैंक्स करेंगे। और अभी मैं स्वप्ना कपूर का एक अपडेटेड वर्जन और चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेंटल हेल्थ मेरा अपना बताया, और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये जो हेल्थ है ना, आप सभी पूजा करते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे, भगवद गीता पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन यदि उसकी एक एक लाइन यदि आप अपने लाइफ में उसको प्लग इन कर लीजिए ना, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी मुझे चाहिए था, और मुझे मालूम था कि यदि ये चार हेल्थ मेरी ठीक हो गई तो मैं उस सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाऊंगी जो हमेशा मैं रह रही हूँ, केवल एक तरीके रूटीन वर्क में हूँ, उस सर्वाइवल मोड से मैं बाहर आ जाऊंगी और मुझ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उससे मुझसे सक्सेस मिलेगा। सक्सेस मीन्स मेरी चारों हेल्थ यदि मेरी अच्छी हो गई तो मुझे एक अच्छी सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। सक्सेसफुल लाइफ को मैं जी सकूंगी, हेल्थी इकोनॉमी भी और स्पिरिचुअल हेल्थ के संग, और स्पीड मेरे में आ जाएगी, मेरी ग्रोथ में स्पीड, मेरी सोच में स्पीड, हर चीज में स्पीड आ जाएगी, ये मुझे समझ में आ रहा था। और लास्ट में मैं अपनी लाइफ को एक सिग्निफिकेंट लाइफ बना सकूंगी, खुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये मुझे समझ में आ रहा था, मेरा कारण बिल्कुल क्लियर था, आपका कारण भी अब क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग, अब मुझे लग रहा था कि कैसे करें, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट आ गया था कि हम कैसे करें। जी से हुई और मैं ये चीज उनसे शेयर किया, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे एक बुक पढ़ने के लिए कहा, तो वो रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसको मैंने पढ़ा। तो उसमें एक बहुत 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 जनरल चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने पूरे वर्ड को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ESBI, E-Employee, Self-Employee, Business and Investor, ठीक है ना। तो ES के सेक्शन में केवल 90% लोग होते हैं, और उसमें 10% का मनी फ्लो होता है, ठीक है। और B और I में 10% लोग केवल होते हैं, लेकिन उसमें 90% का फ्लो होता है। अब E और S के लोग जो होते हैं, वो यदि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बिजनेस सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते कि वो उसमें कन्वर्ट हो सके, लेकिन यदि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा टूल है, उसको आप उसके संग आप जुड़ते हैं, तो आप अपने विंग को चेंज कर सकते हैं या उसके संग प्लग इन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी और हमने जुड़ने की सोच ली। फिर उसके बाद फिर मैंने और समझा, मार्केट को समझा, तो वहां पे मैंने देखा कि फैक्ट्री से जो भी सामान बनता है ना, वो 40% में बनता है और कस्टमर के पास 100% में पहुंचता है। 60% का जो पार्ट होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पहुंच जाता है, मार्केट को, ठीक है। तो एमवी एक ऐसी कंपनी, वर्ल्ड में पहली एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एक कंसेप्ट लेके आई। उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे साथ शेयर कर लेते हैं और तो आपका जो 60% का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्रॉफिट है, वो आपके पॉकेट में जा सकता है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को और एनहांस कर सकते हैं, एज अ कस्टमर भी, एज अ बिजनेस होल्डर भी, ठीक है ना। तो अब ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि इस तरीके से हम अपनी लाइफ को और एनहांस कर सकते हैं, और कस्टमर बनने के लिए या बिजनेस करने के लिए हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है प्रोडक्ट। और कहीं पे भी सुन लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि एमवे के प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। सभी के मुंह से आप सुनेंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत से रेंजेस हैं, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ITC, स्पेस एक्सक्लूसिव।
अब इसमें आपको अपने लिए चॉइस करनी होगी। मैंने तो हेल्थ केयर को चॉइस किया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया था ना, तो मेरे को लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा लीवर स्वेल कर गया, मेरा स्टमक जो था बहुत फूला हुआ रहता था। तो जब मैंने यहाँ डॉक्टर्स को भी दिखाया था उसके पहले, और मैंने बहुत इलाज भी किया था, तो उसमें मैं ठीक भी हुई थी, लेकिन वो बार बार हो जा रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, तो अब वो दोबारा नहीं हुआ। और मैंने एक फिटनेस की एक समझ स्टेप को और ऊपर किया, और मैंने मेरे जो प्रॉब्लम्स थी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई। तो मैंने इसीलिए हेल्थ केयर को चूज किया। आप चूज करिए, अपने डायरी पे लिखिए जो भी आपको यहाँ पे है उसको। आपको अपनी जैसे हेल्थ केयर को मैंने अच्छा लगा था, तो मैंने उसके नॉलेज को बहुत एक्सप्लोर किया, ठीक है। आपको भी अपने एक विन को चूज करना है और उसके नॉलेज को आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। चैट बॉक्स में भी डालिए और अपनी डायरी में नोट करिए। फिर मैंने इसको और एक्सप्लोर किया और समझा कि चलिए ठीक है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका प्लांटेशन कहाँ पे है? तो मदुरई में इसका प्लांटेशन 50 एकर्स में है। 6 मंथ इन्होंने लगा था इनको वो जगह ढूंढने में कि एक पॉल्यूशन जहाँ पे कम हो, बिल्कुल इनके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से ये चीज परफेक्ट हो। तो उन्होंने यहाँ पे इसका लॉन्च किया, और वर्ल्ड में 3rd कंट्री है इंडिया जहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। और इसके आसपास के बहुत से एरिया को इन्होंने, बहुत से खेतों को भी क्लब करके उनके प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा दिया। तो इस तरीके से केवल अपनी प्लांटेशन पे नहीं, आसपास के खेतीहर मजदूरों की भी उन्होंने लाइफ को चेंज किया। तो चलिए, अब ये हुआ कि हम क्या क्यों करना है और कैसे करना है, सॉरी क्यों करना है और अब हम है कि क्यों करना है, क्या करना है, अब हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो कैसे करने के लिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्लाइड, पावरफुल सिस्टम। कैसे समझेंगे कि ये पावरफुल सिस्टम है? यदि हम इससे जुड़ जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो इसका प्रूफ आप इस ओपन मीटिंग में देख रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है, वो इस सिस्टम से प्लग इन करे हैं, अपने को सिस्टम से जोड़ा है और उन्होंने इस सक्सेस को पाया है। सबसे पहला पावर सिस्टम का पहला पॉइंट है ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग जो आपकी है ना, वो जैसे होते हैं ना, कोई चीज जब सीखते हैं तो दो तरीके से सीखते हैं, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक। यहाँ पे लीडर्स अपनी सक्सेस स्टोरी को बताते हैं और अपने करने के तरीके को थोड़ा थोड़ा करते हैं, टीचिंग देते हैं, जिसको आप यदि अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर दीजिएगा या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे तो वो जरूर सक्सेस होगी। और ये तो सुना है ना कि यदि आपने सक्सेसफुल पर्सन को सुनते रहेंगे तो आप भी एक दिन सक्सेस हो ही जाएंगे, राइट ना। तो ओपन मीटिंग हफ्ते में 4 होती है, सॉरी महीने में 4 होती है। आप मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 ज्वाइन करके देखिए आपकी सक्सेस की जो स्टेप्स है वो कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पेस मीटिंग। पेस मीटिंग प्रैक्टिकल क्लास होती है, वहां पे आपको टास्क दिया जाता है और उसको आपको करने को बताया जाता है, कैसे बताएं कैसे करेंगे आप। करते हो, करते करते अपने को पॉलिश करते हो, आपके लीडर्स उसमें मदद करते हैं। तो ये भी आपकी महीने में 4 होती है, लेकिन आप 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 आपको अटेंड करना यदि सक्सेस पाना है तो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है vision100.com। मुझे Spotify पे गाना सुनना बहुत पसंद था, ठीक है ना। तो जब से vision100.com आया, तब से गाना सुनने का जो क्रेज था वो vision100.com में को सुनने का क्रेज हो गया। और हर रोज एक एपिसोड सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके कुछ वर्ड्स को, कुछ चीजों को अपनी लाइफ में हम इन्वॉल्व कर सकें, जिससे हमारी लाइफ और अपग्रेड हो। और नेक्स्ट आता है फिटनेस फ्रीडम, जो अभी 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 ये इंस्टाग्राम पे आया है। यहाँ पे आप उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने फिटनेस को लव किया है और उसकी एक स्टेप को पाया हुआ है। तो आप अपने कस्टमर, अपने लोगों को आप खुद भी देख के अपने को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत बढ़िया बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है वो है फ्री ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्ट एंड बिजनेस। यहाँ पे आपने अभी चॉइस कर ही लिया होगा कि आपको किस पे अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है, तो फ्री ट्रेनिंग होती है रोज के रोज होती है, ठीक है। बस आपको अपने टाइम को वहाँ पे सेट करना है और इसको लीजिए, फिर देखिए आपके बिजनेस को ग्रो कैसे होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो ही चीज चाहिए, पावरफुल सिस्टम और नेक्स्ट आता है मेंटोर। अब मेंटोर कैसे चॉइस किया जाता है, वो मेंटोर कैसे समझेंगे कि यही मेंटोर हमारी हेल्प कर सकता है हमें सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए। तो उसका एक ऑथर ने बहुत अच्छा तरीका लिखा है, उन्होंने बताया कि यदि कोई कोई पर्सन जो है अपने लाइफ का 10,000 घंटा उन्होंने उस काम को में स्पेंड किया हो और उसमें उसमें सक्सेस हुए, तो यदि आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल को सक्सेस को पा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कहने की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे मनोज भैया मतलब मनोज कुमार अग्रवाल और संगीता अग्रवाल जी जो हैं वो उनके छत्र छाया में बहुत से लीडर सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर रहे हैं। और हमारी जो अपलाइन हमारी जो मेंटोर गुनिका सोनी जिन्होंने मुझे 0 से लेकर 100 तक बनाया है, उनकी इन सब की मदद से हमने अपनी लाइफ को बहुत इन्हांस किया है, इवन अपने बिजनेस के संग संग अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव किया है। तो ये तो अब समझ में आ गया कि आपको आपको क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिला, पावरफुल सिस्टम और पावरफुल मेंटोर। तब फिर हमें स्टेप्स चढ़ने में बहुत आसान हो जाता है और हम कब 3% से 21% पे आ गए मुझे इस चीज का पता ही नहीं चला। और इस और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल समझ में आया कि कब हम 1 से लेकर 28 तक हो गए और कब मेरे फिगर्स बढ़ गए मुझे इस चीज का पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने बस अपने को प्लग इन किया था सिस्टम से और मेंटोर से, दैट्स इट, फिर काम होता ही चला गया। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप ग्रो करते हो 21% मतलब सिल्वर पे आ जाते हो, तो उसके बाद फिर आप और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में और टीम बढ़ती है और तब आप प्लैटिनम एमरल्ड और डायमंड, इस तरीके से आपके पिन अचीव होने लगते हैं। और ये पिन ही नहीं है केवल, ये एक समझ लीजिए पॉलिशिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से आप में जो पॉलिशिंग होती है वो लीडरशिप की पॉलिशिंग होती है वो इस तरीके से होती है। और यहाँ फिगर आप देख ही रहे हो, फिगर कैसे इंक्रीज करता है और आपको एक होलिस्टिक रिचनेस मिलती है। होलिस्टिक रिचनेस क्या मतलब, मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी कि मुझे कैसी रिचनेस चाहिए, तो होलिस्टिक रिचनेस मतलब है कि रिचनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, रिचनेस ऑफ मनी, रिचनेस ऑफ रिलेशनशिप, रिचनेस ऑफ इमोशन, रिचनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस और रिचनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये रिचनेस मुझे चाहिए थी और इस रिचनेस को मैं पा भी रही हूँ और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ उस चीज को और मैं इंजॉय कर रही हूँ। और इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे उपस्थित प्लैटिनम है, एमराल्ड है और डायमंड है, वो उन्होंने भी यही होलिस्टिक रिचनेस को पाया है। तो थैंक्स टू एवरीवन। और अपनी ड्रीम पे बिल्कुल बिलीव करिए, ठीक है, यदि आपने बिलीव किया और सिस्टम से जुड़ गए तो आप अचीव कर लेंगे, इसकी बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एग्जांपल्स, सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन, बैक टू होस्ट। इसके पहले हम एक बात और बता दें कि इस समय बहुत हेयर फॉलिंग हो रही है, तो आपको बायोटिन लेना बहुत जरूरी है, इसमें कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना, और एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये आपकी बहुत मदद करेगा आपको अपने हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो थैंक यू, बैक टू होस्ट।